गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्बिनेशंस संचय के बारे में अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। तो छात्र ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हम संचय और क्रमचय में अंतर देखेंगे। यदि हमने चार वस्तुएं दी हुई हैं ए बी सी डी, चार वस्तुएं दी हुई ए बी सी डी, इनमें से एक समय में दो वस्तुओं को लेकर यदि हम संचय बनाना चाहें तो आप देखेंगे कि ए बी ए सी ए डी बी सी एंड सी डी कितने हैं, छह। इसमें हमने दो संख्याओं के क्रम पर ध्यान नहीं दिया है, ए बी और बी ए को हमने एक ही संचय माना है, जबकि क्रमचय में क्या होता है, ए बी बी ए दोनों अलग अलग होते हैं। तो हम संचय में क्रम का महत्व नहीं देते हैं, और यदि हम इनके क्रम को साथ में जोड़ दें, जैसे ए बी यहाँ लिखा हुआ है बी ए, ए सी लिखा हुआ है सी ए, इनको भी यदि ऐड करते हैं तो हमको यहाँ देखिए चार में से दो को लेकर बनाए गए संचय हुई संख्या दी है सिक्स, यहाँ देखिए सिक्स है। और यदि हम क्रमचय बनाना चाहें तो कितना हो जाएगा, ये छः और जुड़ जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो संचय के लिए हम 4C2 का यूज़ करते हैं और क्रमचय के लिए 4P2 का यूज़ करते हैं। दोनों में क्या रिलेशन हो रहा है, 4P2 इक्वल टू 4C2 इंटू फैक्टोरियल 2, ये फार्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए यदि हम क्रमचय बना रहे होते तो 6 और 6 12 हो जाते, और संचय ले रहे हैं तो हमको 6 रहेंगे। इन दोनों में क्या अंतर है, यदि संचय में कि जो आर है उसका फैक्टोरियल 2 को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्रमचय प्राप्त हो जाता। तो दोनों में एक रिलेशन यहाँ दिया हुआ है, इसको नोट कर लेंगे। अभी हमने यह रूल जो है आपको नोट कराया है, तो छात्र नोट कर लें, एन पी आर इक्वल टू एन सी आर इंटू फैक्टोरियल आर। एन सी आर इक्वल एन सी आर इंटू फैक्टोरियल आर, तो इसको हम ये ऐसा देखते हैं, एन सी आर इक्वल फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो हम इसको देखते हैं कि वन अपॉन फैक्टोरियल आर को अगर अलग रखते हैं तो यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, और इसकी वैल्यू क्या होती है, वन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एन पी आर। तो एन सी आर और एन पी आर में क्या रिलेशन है, ये यहाँ क्लियर दिख रहा है, तो नोट कर ले। अब हम एन सी एन, यदि आर की वैल्यू एन है तो इसका मान कितना होगा, एक। इसको बच्चे ध्यान से नोट कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो इसका यूज कर लेंगे। और एन सी जीरो, इसका मान भी एक होता है। तो ये दो पॉइंट हैं, इनको नोट कर लें। अब हम यहां देखते हैं कि एन सी आर इक्वल एन सी एन माइनस आर, ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं। तो यहां पर अगर हम दोनों को सॉल्व करते हैं तो यह वैल्यू बराबर आती है, और प्रमेय नंबर 6 में यह फैक्ट है, इसको भी नोट कर लें, इनका क्वेश्चंस में यूज करेंगे, ये दो फैक्ट है इनको भी नोट कर लें। अब हमको एक्सरसाइज 7.4, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमको एन सी टू की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ दिया क्या है, एन सी एट इक्वल एन सी टू। तो अभी हमने फार्मूला बताया था कि एन सी आर इक्वल एन सी एन माइनस आर, यह होता है, ठीक है। इसका यूज करेंगे और हम यहाँ पर रख देंगे एन सी एन माइनस एट,
इक्वल एन सी टू। कंपेयर करने पर हम n माइनस एट इक्वल टू पाते हैं। देखिए इसमें हम दोनों को तुलना करते हैं, n माइनस एट इक्वल टू टू, इसको सिंपल कर लेंगे, n इक्वल टू आ जाएगा, एट प्लस टू इक्वल टेन। अब हमको किसकी वैल्यू फाइंड करना है, एन सी टू की। n कितना दिया हुआ है, टेन सी टू, इसको सॉल्व कर लीजिए, फैक्टोरियल टेन अपॉन फैक्टोरियल टू, फैक्टोरियल टेन माइनस टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका टेन इंटू नाइन इंटू फैक्टोरियल एट, और फैक्टोरियल टू होता है टू, और टेन माइनस टू कितना होगा, फैक्टोरियल एट, फैक्टोरियल एट और फैक्टोरियल एट कट गया, तो टू से टेन कैंसिल होगा, तो नाइन इंटू फाइव 45, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर, देखते हैं इसमें हमको n की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले सेकंड का फर्स्ट सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 2n c2 is to n c2 equal to 12 is to 1, ये दिया हुआ है, इसको आप सिंपल करिए, फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2n माइनस 2 इज टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल n माइनस 2 इक्वल 12 इज टू 1। तो सिंपल करें तो फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2n माइनस 2 इनटू, अब इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में ले जाएंगे और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, इसको हम सेल्फ सॉल्व करते, तो फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया, यहां आ जाएगा आपका 2n 2n माइनस 1 इनटू फैक्टोरियल n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस 2 इनटू, यहां पर फैक्टोरियल n माइनस 2 अपॉन n n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2 इक्वल 12 अपॉन 1, इसमें a और फैक्टोरियल n 2n माइनस 2 कैंसिल हो गया, इसमें भी फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो यह कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 2n का मल्टीप्लाई कर दो 2n इंटू 2n माइनस 1 इक्वल 12n इंटू n माइनस 1, इसको आप ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 4n स्क्वायर माइनस 2n, इसमें देखेंगे तो यह आ जाएगा आपका 12n स्क्वायर माइनस 12n, इसको आप सिंपल करिए तो 4n को लेफ्ट में ले जाएंगे तो यहां आ जाएगा 12n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर, और इसको हम यहां पर लाएंगे तो 12n माइनस 2n, तो यह आ जाएगा आपका 8n स्क्वायर इक्वल 10n, तो n स्क्वायर अपॉन n इक्वल 10 बाय 8, तो n की वैल्यू आ जाएगी 5/4, ये वैल्यू हो जाएगी इसका आंसर है। इसी प्रकार से आपको सेकंड क्वेश्चन करना है।